और एक अहम जानकारी आपके लिए, श्रीराम ग्रुप ने बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है। इसके तहत श्रीराम कैपिटल लिमिटेड और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस का श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के साथ विलय होगा। श्रीराम कैपिटल अब तक वित्तीय सेवाओं और बीमा से लेकर असेट मैनेजमेंट की समूह के लिए होल्डिंग कंपनी थी। कल इस फैसले के ऐलान के बाद हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के एमडी और सीईओ वाईएस चक्रवर्ती से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। सर, ये जो बड़ा ऐलान किया गया है, इसके पीछे मकसद क्या है और आपको लगता है कि कब तक इसको जो तमाम तरह के रेगुलेटर्स हैं उनसे अप्रूवल मिल जाएगी? द बेसिक आइडिया इज दैट वी वांटेड टू लिवरेज ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाउ डू वी रीच टू द कस्टमर। सी टुडे बोथ माय फ्रॉम द श्रीराम सिटी एज वेल एज एसटीएफसी कस्टमर्स आर गोइंग टू अदर फाइनेंस कंपनीज फॉर सम अदर प्रोडक्ट्स। So the idea is that we should actually leverage on strengths of each other, on the customer strength, on the branch network, and reach the customer in a much better way. Now on the regulatory side, we expect it to happen, take place between 9 to 10 months is what we are, as of today, we are estimating that it will take for us to get a nod. Yes, आप कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने के लिए ये मर्ज किया गया, तो मर्ज एंटिटी जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि नंबर वन रिटेल एनबीएफसी बन जाएगी, तो कितनी बड़ी उसकी साइज होगी? सी इफ यू बेसिकली इफ यू लुक एट द ओनली रिटेल फाइनेंस साइड इज कंसर्न, आई थिंक वी विल बी द लार्जेस्ट एनबीएफसी इन द कंट्री विथ अबाउट 1.5 लाख करोड़ एएम साइज, विच इज एज ऑफ टूडे। सो वी विल हैव टू सी on the day of actual merger, legal merger, it will be probably much higher. But as of today, it will be the largest NBFC in the country, retail NBFC in the country. सर, जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि आप देश की सबसे बड़ी जो रिटेल एनबीएफसी बन जाएंगे, और आरबीआई भी चाहता है कि जो एनबीएफसीज है वो बड़े होकर और ज्यादा बैंकिंग में तब्दील हो, तो उस तरह का भी कई मकसद रहेगा कि बड़े एनबीएफसी को बैंक में भी बदला जाए? See, as of now, we have no idea of turning ourselves into a bank. We believe that as an NBFC, there are a lot more that we can do in the market. We can be swifter, faster, we can service our customers better than a bank. I mean, the last mile connectivity today in this country mostly is happening through NBFC. So we would like to be an NBFC as long as the regulator permits us or allows us to be an NBFC. Yes, sir. तो जो मर्ज एंटिटी होगी श्रीराम फाइनेंस, तो मेन फोकस जो है वो कहां पर होगा उसका? सी डेफिनेटली इन द मर्ज एंटिटी द सीवी फाइनेंस बिजनेस इज द लार्जेस्ट, द कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस विच विल कंटिन्यू। द अदर फोकस वुड बी ऑन द फंडिंग स्मॉल बिजनेसेस, माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस वुड बी द फोकस प्रोडक्ट गोइंग फॉरवर्ड फॉर अस। वी वुड लाइक टू बिल्ड, टूडे वी हैव अ 15,000 करोड़ एएम, वी वुड लाइक टू टेक इट टू 35,000-40,000 करोड़। So basically the idea is to, we always work with underbanked and underserved customers. That is where we want to focus on, particularly as far as small business loans are concerned.